हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। वे ऑफ सक्सेस, ज्ञान प्लस की वे ऑफ सक्सेस सीरीज का सामान्य ज्ञान का दूसरा, सामान्य विज्ञान का दूसरा पार्ट हम आप लोग के सामने लेकर हाजिर हैं। 25 प्रश्न हैं। हमने सामान्य ज्ञान के दो पार्ट कर चुके हैं, सामान्य विज्ञान का पहला पार्ट हो चुका है, अब यहाँ पर सामान्य विज्ञान का दूसरा पार्ट। अभी तक थोड़े से पार्ट देरी देरी में आ रहे, तो दो दो दिन का गैप हो जा रहा था, लेकिन अब हमारी कोशिश रहे कम से कम एक वीडियो तो इससे रिलेटेड, कम से कम इस सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान के सीरीज से संबंधित कम से कम एक वीडियो डेली अब कल से आपकी आएगी। तो चलिए देखते हैं आगे के क्या है आपके लिए, इसमें से 25 प्रश्न कौन कौन से हैं आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर एक की ओर। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है, तो केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है जो दूध में पाया जाता है। तो केसिन किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। केसिन प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? तो दूध से, सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। तो एंजाइम सहायक होते हैं, तो एंजाइम किसके में सहायक होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर होगा, एंजाइम आपके भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, प्रश्न नंबर तीन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका थ्रोम्बोसिस होगा। थ्रोम्बोसिस विटामिन के की कमी से होता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। प्रश्न नंबर चार की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, मानव रेटिना का प्रतिबिंब होता है, तो मानव रेटिना का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव रेटिना का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। चलिए प्रश्न नंबर पाँच की ओर बढ़ते हैं। तो घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? जो घड़ी हम लोग पहनते हैं जिसमें कि चाबी भर के वो चलाई जाती है, कुछ दिन बाद उसमें चाबी भरी जाती है, उसके क्वेश्चन है। तो इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो घड़ी में आपकी कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। प्रश्न नंबर छः की ओर बढ़ते हैं। तो विटामिन शब्द सर किसने दिया था? तो विटामिन शब्द फंक ने दिया था, फंक ने विटामिन शब्द दिया था। मेंडल ने, आप सभी को पता है, आनुवंशिकता के फादर फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक आपके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक ने विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, या विटामिन खोज भी आया तो फंक ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों या कोई नहीं? तो जल में घुलनशील विटामिन दोनों है, यानी कि बी और सी, बाकी विटामिन जितनी भी हैं वो वसा में घुलनशील होती हैं। प्रश्न नंबर आठ की ओर बढ़ते हैं। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई आपकी एम्पियर होती है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ओम, वोल्ट, कूलाम्ब, ये सारी विद्युत की इकाइयाँ हैं, लेकिन विद्युत धारा का पूछा है तो विद्युत की धारा की इकाई एम्पियर होगी, याद रखिएगा, काफ़ी कंफ्यूजन होता है धारा पूछ रहेगा तो एग्जाम में। प्रश्न नंबर नौ की ओर बढ़ते हैं। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, तो लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः नीले लाल रंग का होता है। तो लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः नीले तथा लाल रंग का होता है। चेहरे में कुल कितनी हड्डी होती है, यानी कि फेशियल, फेस में कुल कितनी हड्डी होती है? तो फेस में कुल मिला के 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो माइका क्या है? तो माइका की बात करते हैं, तो माइका विद्युत का कुचालक होता है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? डीएनए संश्लेषण की अलग अलग अवस्थाएँ होती हैं, इंटरफेज होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है तथा एनाफेज होता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए की प्रथम अवस्था आपकी इंटरफेज होती है, तो याद रखिएगा, डीएनए की प्रथम अवस्था इंटरफेज होती है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो एक अशुशक्ति बराबर क्या होता है? तो एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट होता है, याद रखिएगा, एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन कोलोजन होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग आपका है आर्थ्रोपोडा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग आपका आर्थ्रोपोडा है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो
भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल को का संक्षिप्त नाम है D2O है, जिसे कि आप अगर हिंदी में कहेंगे तो आपका भारी जल का हिंदी में होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम आपका NaOH होता है, याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। सबसे मजबूत पेशियाँ पाई जाती हैं, तो सबसे मजबूत पेशियाँ शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? उंगलियों में, कलाई में, जांग में, जबड़ों में? तो इसका सही आंसर होगा जबड़ों में। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, तो मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो मानव रक्त में बात करें प्लाज्मा का, तो मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होता है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, तो निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा, पत्थर, लोहा, एस्बेस्टस? तो निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं आधुनिक कावच सारणी किस पे आधारित होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए तो परमाणु क्रमांक पे निर्धारित होती है, आधारित होती है। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो लाफिंग गैस जिसको छोड़ने पे लोग हंसने लगते हैं काफ़ी जोर जोर से, तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ें, तो जिस पौधे में फूल या बीज नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन पौधों में फूल या बीज नहीं होते हैं उन्हें क्रिप्टो गेम्स कहते हैं, यानी कि क्रिप्टो गेम्स पौधों में फूल तथा बीज नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, तो टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो इसकी बात करें तो वो टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर के टांग में पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, मानव रक्त में सर्वग्राही ग्रुप कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि सभी ग्रुप के रक्त को ले सकता है, AB, O, A या B? तो इन सब में आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।